जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, दियार मिक्स ब्लॉग चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि घर में पड़े सिल्वर या पीतल के बर्तन को पिघलाकर किस तरह से एक समसमाती हुई खूबसूरत सोने और चांदी के जैसे दिखने वाली स्कल्पचर यानी मूर्ति किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है लेकिन दिखने में बहुत ही मजेदार है। इसीलिए दोस्तों, बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे पहला काम यह है कि पुराने सिल्वर के जो बर्तन है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है ताकि आसानी से कम समय में गल जाए। तो यहाँ पे पूरा काट के रेडी कर लिया है भैया ने। अब एक बॉक्स रखा है यहाँ पे, शायद इसमें मिट्टी डाल देगा। अब यहाँ पे स्प्रिट डाल दिया है आग जलाने के लिए। और ये आग जला लिया है, इसमें गलाएगा। अब डाल दिया है इसमें मिट्टी, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अब भैया को पूछेंगे कि कैसे बनाएगा ये सब। भैया कैसे बनाएगा, थोड़ा सा बोल दो। सिल्वर के पीतल के दिल बनाए देवे। कैसे बनाएगा, गला के? हाँ, गला के बनाता। वीडियो इधर से गलाने का काट दीजिए, थोड़ी देर से काटिए। हाँ, क्योंकि रेडी होने दीजिए। हाँ, आप लोग भी देखते रहिए आखिर तक। मैंने इस वीडियो में ए टू जेड सब कुछ दिखाया है इस बारे में, तो देखते रहिए। ये वीडियो में यूट्यूब में डाल लेगा। देखिए कितना सारा लोग आया है यहाँ पे मूर्ति कैसे बनता है देखने के लिए। तो मैंने सबको एक बार वीडियो में दिखा दिया है, हमारे गांव के लोग हैं ये सब। अब यहाँ सिल्वर के छोटे छोटे टुकड़ों को गलाने वाले हैं, आग में गलाया जाएगा ये सब। अब बॉक्स के एक भाग में पूरा मिट्टी भर दिया है। भैया ये कौन सी मिट्टी है? कारखाने का ढलाई मिट्टी। भैया ने बताया ये कारखाने का ढलाई मिट्टी है। मैं एक कछुआ और हनुमान जी की मूर्ति बनाने देने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये रही हनुमान जी की मूर्ति की डाइस, इसे डाइस बोलते हैं, भैया ने बताया मुझे। और ये देखिए डाइस के पिछले वाले हिस्से में अच्छी तरह से मिट्टी लगा लिया है, उसके बाद इस बॉक्स में रख दिया डाइस को। और हथौड़े से हल्का हल्का दबा दिया है इस डाइस को। ये डाइस जिस तरह दिख रही है ना, उसी तरह एकदम सेम टू सेम मूर्तियाँ भी बनेगा। ये फॉर्मा डाल दिया। हाँ, फॉर्मा डाइस, डाइस बोलता है इसको। इसके ऊपर और मिट्टी डाल देगा। हाँ, मिट्टी डाल। और ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये डाल दिया पूरे बॉक्स के अंदर, पूरा भर दिया है बॉक्स को। और ये देखिए हल्का हल्का सा मिट्टी को दबा रहा है ताकि अच्छी तरह से फिट हो जाए बॉक्स के अंदर। यहाँ पे गल रहा है हमारे जो पुराने बर्तन हैं सिल्वर के, वो गल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इस मशीन की मदद से आग में हवा दे रहा है ताकि अच्छी तरह से आग लग सके। ऊपर से देखिए एक छोटा सा होल कर दिया है
ताकि उस होल से गलती हुई सिल्वर को डाल सके। ये देखिए सिल्वर भी गल गया है। और इसे भी गलाएगा। ये देखिए डाइस को उठा लिया है। और दूसरी डाइस भी उठा रहा है। ये देखिए मिट्टी में साफ छोड़ दिया है। सेम टू सेम हो जाएगा। ऊपर है फर्मा, इधर है। ये है डीजल, ऐसा नहीं पूरा इधर तक। तो सिल्वर भी पूरा गल के रेडी हो गया है। और यह से डाल देगा गलती हुई सिल्वर। देखते हैं मोतिया बनता है या नहीं। और ये देखिए यहाँ पे बॉक्स खोल लिया गया है। और बॉक्स के अंदर देखिए कितना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। एकदम चांदी की जैसी मूर्ति बन के तैयार हो गई है। आप लोगों के आंखों के सामने ये मूर्ति बन के तैयार हो गई है। दिखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे बन गई है हमारी मूर्तियाँ। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों के गांव में भी कभी ऐसे जाएगा तो बना लेना आप लोग भी। आखिर में जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।